evening, everybody. जैसा कि हम पिछले एक दो लेक्चर्स में बेसिक फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का बहुत बड़ा महत्व है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की संयुक्त रूप से देन कहा जा सकता है। इसमें फिल्म एक्सपोजर तक करीब करीब फिजिक्स काम में आती है और प्रोसेसिंग में केमिस्ट्री काम में आती है। तो विज्ञान के इन दो क्षेत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रेडियोलॉजी में, रेडियोग्राफी में। तो इसी कड़ी में आज हम कुछ और फिजिक्स की बातें सीखेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी अपना रूप बदल लेती है। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, तो इस एनर्जी के संदर्भ में एक टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी के एनर्जी को संरक्षण, एनर्जी का संरक्षण या एनर्जी को रखना, इसका तात्पर्य यह है कि एनर्जी को मिटाया नहीं जा सकता। उसकी फॉर्म जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इनकी स्टेट या फॉर्म बदली जाती है लेकिन ये नष्ट नहीं होती। इसका रूप बदल जाता है, ये नष्ट नहीं होती। जैसे गीता में कहा गया है आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा अपना चोला बदल लेती है लेकिन नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से फिजिक्स में एनर्जी के बारे में कहा गया है कि ये नष्ट नहीं होती, ये रूप बदलती है, स्वरूप बदलती है, फॉर्म बदलती है, स्टेट बदलती है लेकिन नष्ट नहीं होती। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैसे विभिन्न पदार्थों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। एक पदार्थ के माध्यम से होते हुए
एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया को ही ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है और थर्मल भी हो सकती है। थर्मल का मतलब तापमान या हीट से संबंधित, और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने को, जैसे बिजली के पोल से हमारे घर तक एनर्जी के रूप में जो बिजली आ जाती है, उसी को ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। लोहे की छड़ को हम एक तरफ से गर्म करते हैं और दूसरी तरफ उसको अगर हम टच करें तो वो भी, दूसरा छोर भी उसका गर्म हो जाता है। इसको हम कहेंगे कि एक छोर से दूसरे छोर तक एक छड़ के अंदर या रॉड के अंदर हीट का ट्रांसमिशन हुआ है या हीट गतिमान हुई है, या इसको एक और शब्द है प्रसारण। जैसे हम रेडियो का प्रसारण सुनते हैं, टीवी का प्रसारण सुनते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनका स्टूडियो से हमारे घर तक ट्रांसमिशन या प्रसारण होता है। ये प्रसारण या ट्रांसमिशन चार प्रकार से होता है। तुम्हारी किताब में तीन दिए गए हैं, वैसे हीट की ट्रांसमिशन चार प्रकार से होती है। लॉस ऑफ हीट जो होती है वो चार प्रकार से होती है। पहला है कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब है कि एक एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन ये मैटर या पदार्थ के अलग अलग एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे हमारे जितनी भी सॉलिड वस्तुएं हैं उनको ये बनाते हैं, और ये म्यूचुअल कॉन्टैक्ट से इसकी मैं एक एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे हमने 100 फीट दूर ईंटों को ढोना है तो 100 फुट की दूरी में हम 20 या 25 आदमी ह्यूमन चेन बनाकर खड़े कर देंगे। पहला आदमी दूसरे को ईंट दे देगा, दूसरा तीसरे को दे देगा, तीसरा चौथे को दे देगा, और वो सब वहीं की वहीं खड़े रहेंगे। वो जो खड़े हुए व्यक्ति, ह्यूमन चेन बनी हुई है,
वो एक जगह से ईंट लेकर 100 फुट की दूरी वो तय नहीं करेगा, वो अपने पास खड़ा व्यक्ति जो है उसको दे देगा, वो तीसरे को दे देगा, वो चौथे को दे देगा, वो पांचवे को दे देगा। इस प्रकार एक जगह से सारी की सारी ईंटें दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं। इसको एक एग्जांपल और द्वारा भी समझा जा सकता है कि बट्ठल के अंदर कोई सामान डाल ले, वो बट्ठल पहले व्यक्ति ने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया, उसने चौथे को दिया, इस प्रकार से सारे के सारे बट्ठल हम एक जगह से आखिरी छोर तक पहुंचा देंगे। कंडक्शन में यही होता है, इसको म्यूचुअल कॉन्टैक्ट का नाम दिया गया है। इसमें एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़े बिना अपनी पोजीशन से हिले बिना एनर्जी को यानी को हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसमिट कर देता है। इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द अदर को ही हीट ट्रांसमिशन कहा जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। पार्टिकल द्वारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, हीट के रूप में, एक पार्टिकल एनर्जी को जब दूसरे पार्टिकल को ट्रांसमिट करता है, दूसरा तीसरे पार्टिकल को करता है, तो इसको ही ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यानी ट्रांस एनर्जी गतिशील हो जाती है और आगे आगे बढ़ती जाती है। दूसरा जो मेथड होता है एनर्जी ट्रांसमिशन का वो होता है कन्वेक्शन। ये यहां मैंने कन्वेक्शन को समझाने के लिए ये बर्नर बनाया है, ये इसके अंदर पानी है, लिक्विड है, ये ठंडा लिक्विड है, इस पानी को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल है या अणु है या मॉलिक्यूल है, लिक्विड का पार्टिकल है, ये गर्म होके हल्का हो जाएगा, गर्म होके इसका वजन वेट कम हो जाएगा और ये ऊपर की ओर उठेगा, ये यहां आ जाएगा, और इसकी जगह ये जो ठंडे अणु हैं, ठंडे पार्टिकल हैं, ये नीचे आ जाएंगे। ये घरों में हम दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं वो कन्वेक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन एक मेथड है हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का। तो दूसरा मेथड ये है, इसको कन्वेक्शन कहते हैं, और ये लिक्विड्स में पाया जाता है, जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में पाया जाता है, और लिक्विड्स के अंदर कन्वेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इज फाउंड। तो ये पार्टिकल गर्म होके हल्का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जैसे एयर, एयर जब गर्म होती है तो गर्म होके ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली ठंडी एयर जो है वो नीचे आ जाती है,
इसी प्रकार से ये लिक्विड में होता है, ठंडे पार्टिकल नीचे आते जाएंगे, गर्म पार्टिकल ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे ये सर्कल चलता रहेगा और सारे लिक्विड का एक ही टेम्परेचर हो जाएगा। तीसरा है ट्रांसमिशन का मेथड रेडिएशन। रेडिएशन मेथड में किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ना तो सॉलिड की आवश्यकता है, ना लिक्विड की आवश्यकता है, ना गैस की आवश्यकता है। उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो एक्सरेज हैं, ये सारा हमें इसीलिए पढ़ाया जा रहा है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारे एक्सरेज में काम आती हैं, वो उनको ट्रांसमिट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो वैक्यूम में भी जा सकती हैं, निर्वात में भी जा सकती हैं। जैसे सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पृथ्वी सूर्य से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें जो विजिबल लाइट के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती हैं, वो किसी माध्यम में से होके यहाँ पे नहीं आती हैं। ये माध्यम तो अपना कुछ किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर है, इसके बाद में ब्रह्मांड खाली है। पृथ्वी से ऊपर कुछ किलोमीटर तक ही ये जो हवा का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है, ये कुछ किलोमीटर तक ही जमीन से ऊपर बना हुआ है। इसके बाद में वैक्यूम है, खाली है, हवा भी नहीं है। लेकिन फिर भी हजारों मील दूर से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें एक प्रकार की वैसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो हमारी एक्सरे वेव है, खाली उनकी वेव लेंथ में फर्क है। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो सूर्य की किरणें हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन के लिए। और चौथा है, खास करके हीट लॉस में एक काम आता है, इवेपोरेशन। जैसे हम नहा के बाहर आते हैं तो बाहर की हवा का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, होता है, और वो हमारे शरीर की जो गीलापन होता है उसको इवेपोरेशन होता है, उसका वो भाप बन के उड़ता है। जब भाप बन के वो पानी उड़ता है, जब हम नहा के बाथरूम से बाहर आते हैं, तो वो कुछ हीट अपने साथ ले जाता है। इसलिए हमें जो है वो ठंडक महसूस होती है और वो हीट ट्रांसमिशन का एक माध्यम बनता है। तो ये हो गया इवेपोरेशन। तो ये चार तरह से हीट लॉस होती है। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, कंडक्टिविटी। आगे आने वाली क्लासेस में तुम पढ़ोगे
कि कंडक्टर क्या होते हैं। और सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन से होते हैं? सबसे बढ़िया कंडक्टर होती है मेटल्स, जैसे हम कॉपर को मानते हैं, एल्युमिनियम को मानते हैं, इनके तांबे की एल्युमिनियम की तारे बनती हैं जो रोज हमारे बिजली को इधर से उधर ले जाने में काम में आती हैं। तो ऐसे मटेरियल जो आसानी से हीट या बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होने देते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, ऐसे पदार्थों को कंडक्टर्स कहा जाता है, गुड कंडक्टर्स। मतलब इनको चालक कहा जाता है। जैसे कंडक्टर, रोडवेज का कंडक्टर, बस का कंडक्टर यहाँ से सवारियों को ले जाके जहाँ उनका गंतव्य स्थान है वहाँ पे छोड़ देता है, इसी प्रकार ये कंडक्टर भी एक छोर से दूसरे छोर तक एनर्जी का ट्रांसमिशन होने देते हैं या करते हैं। अपने अंदर में से ट्रांसमिशन ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होने देना या करना एक ही बात है। तो ऐसी मेटल्स जो आसानी से अपने में से बिजली और हीट को जाने देती हैं, उनको गुड कंडक्टर्स कहा जाता है। जो आसानी से नहीं जाने देती, उनको बैड कंडक्टर्स कहा जाता है। तो गुड कंडक्टर्स के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी मेटल्स जो हैं ये गुड कंडक्टर होती हैं। जो बैड कंडक्टर हैं और इनकी जो इन कंडक्टर्स की जो ये कंडक्टर्स अलाउ करते हैं कि उनके थ्रू हीट का या बिजली का ट्रांसमिशन हो जाए, तो जिस गति पे ये अपने में से ट्रांसमिशन एनर्जी का होने देते हैं उसको कंडक्टिविटी कहा जाता है, यानी रेट एट विच एनर्जी पासे थ्रू ए स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल हमारे पास मेटल है, मेटल में से जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हो रही है उसकी स्पीड क्या है, यानी एक सेकंड के अंदर वो कितनी दूरी तय कर लेती है, इसी को उस पदार्थ की कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो आयरन की कंडक्टिविटी अलग होगी, कॉपर की कंडक्टिविटी अलग होगी, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी अलग होगी। तो सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना गया है, कंडक्टिविटी जिसकी सबसे ज़्यादा है, तो इसमें कॉपर को सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमने देखा है कि कॉपर की जो वायर है दे आर ऑलवेज प्रेफर्ड, मतलब उनके रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो बढ़िया होती, क्वालिटी की होती हैं और वो महंगी भी होती हैं दूसरी तारों के बनिस्पत, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है और वो एक अच्छे कंडक्टर हैं। अब अपने बात करेंगे नॉन कंडक्टर की। नॉन कंडक्टर को दूसरा नाम दिया गया है इंसुलेटर। नॉन कंडक्टर का मतलब है ऐसा मटेरियल
जो अपने में से एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को अपने में से पास नहीं होने देता, यानी कि इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर मटेरियल, सपोज ये प्लास्टिक है तो इस प्लास्टिक के इधर से हीट करना चालू होगा तो इस छोर तक हीट नहीं पहुंचेगी। इधर इलेक्ट्रिसिटी का करंट दे देंगे तो इधर इलेक्ट्रिसिटी का करंट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये नॉन कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसुलेटर शब्द आया है तार के ऊपर जो अपने रबड़ लगाते हैं या प्लास्टिक लगाते हैं, तो उसका इंसुलेशन करता है वो, तार का, तार को बचा के रखता है बाहर की चीज़ों से, उसको इंसुलेटर कहा जाता है। तो इसलिए ऐसे मटेरियल जो अपने में से बिजली के करंट को या हीट को या एनर्जी को पास नहीं होने देते, उनको हम इंसुलेटर कहा जाता है। तो तांबे की तार के ऊपर जो रबड़ लगा होता है वो एक प्रकार का इंसुलेटर है। इसी प्रकार से प्लास्टिक का मैंने बता दिया, लकड़ी भी एक इंसुलेटर है। अपने कहते हैं कि कोई काम करो बिजली का, तो लकड़ी के फट्टे पे खड़े होके करो। उसका कारण ये होता है कि हमारी अर्थ है, भूमि है, पृथ्वी है, ये यूनिवर्सल अर्थ का काम करती है। तो अगर हमारा हाथ बिजली के करंट के लग जाएगा तो हमारे थ्रू बहता हुआ करंट, वो विद्युत जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा न्यूट्रल का काम करती है या अर्थ का काम करती है, इसमें कितना भी करंट समावेश हो सकता है। तो वो करंट जब हमारे थ्रू पास होता है तो अंदर इलेक्ट्रोलिसिस कर देता है और हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इसी प्रकार से कांच, कांच है ये भी इंसुलेटर कहलाता है या नॉन कंडक्टर कहलाता है। अब हम फिजिक्स के ऐसे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमसे बिल्कुल ही, रेडियोग्राफी से बिल्कुल ही डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो शब्दों से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो अलग अलग थ्योरियों के द्वारा इनको समझाया गया है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि क्लासिकल थ्योरी कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स। वेव्स वो वस्तु होती है जो लहरों के रूप में चलती है आगे आगे। हम पानी के अंदर पत्थर मारते हैं तो लहर उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार से लहर होते हुए पानी के किनारे की तरफ लहर जाके खत्म हो जाती है। तो एक थ्योरी ये कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ये वेव फॉर्म में होती है या वेव मोशन में होती है, और दूसरी थ्योरी क्या होती है, दूसरी थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। ये क्या कहती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन्स के रूप में या पार्टिकल्स के रूप में होती है। इन फोटॉन्स के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है और लाइट एनर्जी होती है।
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्हीं दोनों की वजह से जो सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुँचती हैं, इतनी दूर आने के बाद भी इनके अंदर हीट भी होती है और रोशनी भी होती है, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की, जैसे हमारी सनलाइट। सनलाइट कहने का मतलब यहां ये है कि विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। ये यहां मैंने इस स्पेक्ट्रम को बना के दिखाया है। इस स्पेक्ट्रम में यहां कम वेवलेंथ की रेडिएशन है और जैसे जैसे हम इधर जाते हैं ये ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में आगे जाती है। इस तरह से ये 10-12 है, ये है गामा रेज, ये सबसे छोटी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इसके बाद एक्सरे आती है, ये गामा रेज है, इसके बाद एक्सरे है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है। तो ये कम हो रही है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये कम से कम गामा रेज है। इसके बाद जैसे 12 से -10 ये बड़ा है, -10 बड़ा है, -10 से -8 बड़ा है। फिगर देखने को तो ये 12 है, 10 है, 8 है, फिगर तो कम हो रही है, लेकिन माइनस लगा होने के कारण ये फिगर उससे बड़ा है, ये 12 बड़ा है, 4 से 2 बड़ा है। अब यहां पे ये पॉजिटिव में आ जाते हैं, तो -2 से 2 बड़ा है, 2 से फिर 3 बड़ा है। इस प्रकार से सबसे छोटी वेवलेंथ की है वो गामा रेज है, उसके बाद एक्स रेज है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज है, उसके बाद में ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो है विजिबल लाइट है, ये वाला जो पोर्शन है ये विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट जो है वो आपको जैसे पता है हमारी ये जो सफेद लाइट जो हम दिखती है ये इन रंगों से मिलके बनी है, सात रंगों से मिलके बनी है। बचपन में हमें पढ़ाया गया है, डॉक्टर सीवी रमन जो भारतीय वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये बताता है कि ये जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है इसके अंदर सात लाइटें होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये यहां मैंने सातों की सातें लिखी हुई है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं, विब ग्योर। ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर ये विजिबल लाइट है और ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो इस सारी चीज को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जो कि मिनिमम से मैक्सिमम तक चलती है। ये गामा रेज है, ये एक्स रेज है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है, ये इंफ्रारेड रेज है, ये माइक्रो रेज है, माइक्रोवेव है और ये रेडियो वेव है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। ये एक्सरेज है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की है। ये यहां पे आ गई है एक्स, इससे छोटी गामा रेज है,
तो अल्ट्रावायलेट से कम वेवलेंथ की एक्सरेज है। ये मैंने बता चुका हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनकी ड्यूअल नेचर होती है, इनकी वेव भी होती है और ये फोटोन के रूप में भी, फोटॉन्स आर बंडल ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स आर बंडल ऑफ एनर्जी, यहां कहीं लिखा होगा होगा ये एक्सरे जो है इसकी वेवलेंथ जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम ये पूरे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पूरी लाइफ एक्सरे से ही डील करने वाले हैं। तो 0.01 to 10 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है इसकी। आगे मैं बताऊंगा कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये जो एक्सरे है ये अल्ट्रा वायलेट और गामा रेज के बीच में होती है। ये यहां मैंने बना रखी है, ये गामा रेज बना रखी है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज बना रखी है और बीच में ये एक्सरे बना रखी है। ये जितनी भी है सनलाइट है, यानी कि विजिबल लाइट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एक्सरेज है, गामा रेज है, ये सब अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। हैं सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन अलग अलग लेंथ होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, अलग अलग काम में आती हैं, इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैसे ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं, ये सनलाइट है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, एक्सरे है, गामा रेज है, ये सभी की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ हम इस एक्सरे के संदर्भ में इनको पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी डीलिंग एक्सरे से रहने वाली है और एक्सरे एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन एनर्जी नो मास। ये मास शब्द फिजिक्स का बार बार आता है, मास का मतलब होता है वजन। आम भाषा में वजन कहते हैं, वैसे आपको मास ही कहना है। तो इसके अंदर वजन नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर वजन नहीं होता, ये एक प्रकार की एनर्जी है। ये पहली इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, लाइट विजिबल लाइट एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, जो कि सूर्य से लेकर धरती तक आती है। तो इसकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबकी स्पीड क्या है, एक ही है, और वो स्पीड है जो लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इस स्पीड पे जितनी भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है ये इस स्पीड पे ट्रैवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द मैटर। एमिट करना होता है मतलब है किसी में से निकलना, जैसे अपने दिवाली में अनार चलाते हैं तो अनार में से लाइट और एनर्जी एमिट होती है, उसको
उस क्रिया को एमिट कहा जाता है। किसी छोटी सी वस्तु में से इस तरह से जो लाइट और एनर्जी निकलती है उसको एमिट कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये किसी भी पदार्थ द्वारा, मैटर का मतलब है पदार्थ, उसके द्वारा एमिट भी की जा सकती है और एब्जॉर्ब भी की जा सकती है। जैसे हमारी एक्सरे में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज वहां से निकलती भी है और बाद में फिल्म उनको एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो एक मैटर से तो वो निकल रही है और दूसरे मैटर में वो एब्जॉर्ब हो रही है। वो एब्जॉर्ब होती है तभी तो हमारी लेटेंट इमेज बनती है, और लेटेंट इमेज को हम बाद में फिर प्रोसेसिंग करके विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एमिट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने पहले बताया है कि ये विजिबल लाइट है जो कि सूरज से चल के यहाँ आती है पृथ्वी तक, रास्ते में उनको किसी मीडियम की या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये तीन माध्यम है। इन तीनों में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के ये वैक्यूम में से भी, निर्वात में से भी ये प्रवाहित पास हो जाती है। हवा, पानी, सॉलिड, कोई भी सॉलिड वस्तु, ठोस वस्तु, ये तीन माध्यम है, उन तीनों माध्यमों के बिना भी ये ट्रैवल करती है, वैक्यूम में से, निर्वात में से भी ट्रैवल करती है। और अगला पांचवा जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ट्रैवल्स इन ए वेव मोशन। ये मैंने वेव मोशन बनाई है, जैसा कि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर वेव्स। तो ये वेव मैंने बनाई है, ये वेव इस प्रकार से होती है, इसमें ये ऊपर जाती है पहले, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, पानी के अंदर अगर पत्थर फेंके तो लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं, तो ये भी वेव मोशन के रूप में आगे सफर तय करती है, ट्रेवल करती है। छठा है कि इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो फोटॉन्स के रूप में होती है, तो इस वेव के अंदर फोटॉन होंगे जो फोटॉन एनर्जी को ले जाएंगे, और ये फोटोन जो है वो वेव मोशन में ट्रैवल करेंगे, सीधे ट्रैवल नहीं करेंगे, वेव मोशन में करेंगे। ये इसकी विशेषता है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको विशेषताएं भी कह सकते हैं कि एक्सरेज की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। हम एक्सरेज की बात यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सरे से संबंधित हैं, और बहुत प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे रेडियो वेव्स है, गामा रेज है, उनसे हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है। सातवां इसकी विशेषता है कि जब एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करती है तो ये हमारी जानकारी के लिए है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब पास करती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी ये जो वेव पैटर्न है ये चेंज नहीं होता है। और उनकी फिर भी उनकी स्पीड और वेवलेंथ ये चेंज हो सकती है। फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है, वेवलेंथ अलग चीज है। ये तीनों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्पीड, एक वेव की स्पीड क्या होती है और वेवलेंथ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशंस जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, उनकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है, स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो सकती है। अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी से रिलेटेड होती है। हमने एक्सरे में जब करैक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जब करंट और वोल्टेज बढ़ा देते हैं एक्सरे मशीन का तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहां कहने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी जो है वो रिलेटेड होती है एनर्जी से, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी एनर्जी ज्यादा होगी। तो करंट से इंटेंसिटी बढ़ती है और वोल्टेज से फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ती है। अब कुछ टर्म्स ऐसी दी गई हैं तुम्हारी किताब के अंदर जिनको आइसोटोप कहा गया है, आइसोबार कहा गया है और आइसोटोन कहा गया है। ये तीन टर्म्स हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। ये मैंने यहाँ एक बोर्ड, चैटर बोर्ड बना के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं और आइसोटोन क्या होते हैं। देखिए ये एटम्स की टर्मिनोलॉजी है, कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एटम क्या होता है, कैसे बना होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है और जो चारों ओर शेल होती है, ऑर्बिट होती है, एनर्जी लेवल होते हैं उनमें क्या होता है, तो मैं बता दूं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं और प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर एक ही बात है। जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। मान लो किसी के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक है और 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 है और 45 है प्रोटॉन तो उसका एटॉमिक नंबर भी 45 है। तो प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है, यही इसकी पर्टिकुलर एक विशेष
एलिमेंट की, तत्व की, एटम की पहचान है। इसी से उसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं, प्रोटॉन से। प्रोटॉन चेंज होते ही, घटते बदते ही तत्व बदल जाता है, एटम बदल जाता है। एक प्रोटॉन बढ़ा दिया या एक प्रोटॉन कम कर दिया, वो तत्व तत्व नहीं रहता, वो दूसरा बन जाता है। एक और बात बताता हूं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? प्रोटॉन्स पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, और टोटल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल कैसे होगा? जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे, तभी न्यूट्रल होगा। हालांकि अब आती है मास की बात। मास और मास नंबर एक ही बात है, एटॉमिक मास या मास नंबर एक ही बात है। जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर एक ही बात है, मास नंबर या मास एक ही बात है। मास को मैंने कई बार कहा है वजन, आम भाषा में इसको वजन कह सकते हैं। ये वजन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर वजन नहीं होता या निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको वेटलेस मानते हैं। तो मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों को जोड़ने से बनता है। मान लो किसी में प्रोटॉन 10 है और 8 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर हो गया 18। एटॉमिक नंबर हुआ 10, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन 10 है। अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से आइसोटोप देखेंगे, आइसोटोप में क्या क्या होता है। आइसोटोप के अंदर दो आइसोटोप जैसे हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, तो उनके अंदर प्रोटॉन सेम होंगे। यानी हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, दोनों के अंदर प्रोटॉन की संख्या एक ही होगी, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर एक है। अब न्यूट्रॉन उसमें अलग अलग होंगे, इसलिए उनको आइसोटोप कहा गया है। आइसोटोप इसलिए कहा गया है कि उनके अंदर न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, ये स्थिर है, एक प्रोटॉन है पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, ये स्थिर है। चेंज क्या हो रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स देखने को मिलते हैं। तो आइसोटोप किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएगा तो उनका मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वजन बढ़ रहा है एटम का। एक न्यूट्रॉन है तो कम वजन है, दो न्यूट्रॉन है तो ज्यादा वजन है, तीन न्यूट्रॉन है तो और ज्यादा वजन है। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन में आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन और मास नंबर डिफरेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार की। आइसोबार जैसा मैंने बताया है कि अगर प्रोटॉन डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो वो
वस्तुएं अलग अलग होंगी, एक वस्तु नहीं है वो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे हाइड्रोजन के एग्जांपल के अंदर वो हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन के आइसोटोप है, यहां वो तत्व ही बदल जाएंगे, लेकिन यहां उसको आइसोबार की श्रेणी में क्यों रखा गया है? क्योंकि उनका मास नंबर सेम होता है, उनका मास नंबर सेम होता है। तो कभी इसमें एटॉमिक नंबर अलग होगा तभी तो तत्व अलग होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, मास नंबर भी अलग होगा। प्रोटॉन अलग नहीं, प्रोटॉन अलग होंगे नंबर तो उनका एटॉमिक नंबर भी अलग होगा। इसमें एटॉमिक नंबर तो अलग है, प्रोटॉन्स जितने जितने प्रोटॉन है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है, तो ये तो अलग अलग हो गए। न्यूट्रॉन्स भी इसमें अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है, जो वजन है, वो सेम होता है। तो इसमें सेम क्या हुआ? इसमें सेम हुआ कि जो एटम का वजन है, या तो प्रोटॉन बढ़ा दिए या न्यूट्रॉन कम कर दिए, या न्यूट्रॉन बढ़ा दिए प्रोटॉन कम कर दिए, लेकिन दोनों का जोड़, यानी दोनों का जोड़ जो है टोटल सम, दोनों को प्लस कर देंगे तो वो सेम होंगे। दो एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट का वजन सेम है, दो एलिमेंट का वजन सेम है, मान लो 10 किलो है। अब 10 किलो कैसे बनते थे? 6 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 4 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन। तो यहां पे देखने वाली बात यह है कि ये आइसोबार के अंदर टोटल वजन स्थिर रहता है, भले उस भले तत्व की प्रॉपर्टी बदल जाए, प्रॉपर्टी भले बदल जाए, वो दूसरा तत्व बन जाए, लेकिन हमने देखा है कि उनके अंदर मास जो है वो सेम रहता है दो तत्वों के अंदर। तो मास बनता कैसे है, मैं दो बार पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन के दोनों को जोड़ लेने से ये मास स्थिर रहता है। अगर ये 6 है, ये 4 है, ये 10 है, अगर ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, तो वो आइसोबार कहलाएंगे। अब हम आइसोटोन पे जाते हैं। आइसोटोन पे क्या है कि प्रोटॉन डिफरेंट है, ये भी तत्व अलग अलग है, ये भी तत्व अलग अलग है, यहां पे तत्व सेम रहता है, एटम सेम रहता है, यहां पे तत्व या एटम अलग अलग है दोनों में, नीचे वाले दोनों एग्जांपल में। तो प्रोटॉन अलग है तो उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है, एक ही बात है। तो दो दो हमने एटम लिए जिनके प्रोटॉन अलग अलग है। अब दो प्रोटॉन ले लिए जिनके नंबर अलग अलग है, जिनके प्रोटॉन दो एटम लिए जिनके प्रोटॉन अलग अलग हैं, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है। मान लो दो प्रोटॉन लिए, एक में
एक में 8 प्रोटॉन है और एक में 7 प्रोटॉन है, एक में 8 प्रोटॉन है और एक में 7 प्रोटॉन है। अब न्यूट्रॉन दोनों में सेम है, इसमें भी 7 है इसमें भी 7 है, तो मास नंबर दोनों का अलग हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा और इसका 15 हो जाएगा, ये अलग अलग हो गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये याद रखने वाली बात है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो अगर प्रोटॉन दोनों के अलग अलग है तो उतने उनके इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे, ये डिफरेंट होंगे तो ये भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये दोनों को बराबर होना जरूरी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। अब बात वजन की थी कि इनका मास जो है वो अलग अलग होगा क्योंकि इनके प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। अब यहां ये नहीं देखा जा रहा कि मास अलग अलग हैं तो इनके प्रोटॉन अलग अलग हैं और वो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं और अलग अलग तत्व बने हुए हैं, तो जिसमें 8 प्रोटॉन होंगे वो अलग तत्व होगा, जिसमें 7 प्रोटॉन होंगे वो 7 प्रोटॉन होंगे वो अलग तत्व होगा, 8 वाले का एटॉमिक नंबर 8 होगा और 7 वाले का एटॉमिक नंबर 7 होगा, डिफरेंट होंगे, ये दोनों भी डिफरेंट है, लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन सेम है, दोनों के अंदर ये विशेषता है जो आइसोटोन, टोन फॉर एन फॉर न्यूट्रॉन और एन फॉर आइसोटोन, ये लास्ट में एन आ रहा है, एन डिनोट करता है कि इनके न्यूट्रॉन बराबर है दोनों के, तो और दोनों का जोड़ लगाएंगे तो इसका वजन 15 हो गया और इसका वजन 14 हो गया, तो टोटल वजन हो गया ये मास नंबर, ये अलग अलग हो गए और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।